पिछले साल भी साथ में शिल्पा जी गई थी, कुछ नया नहीं है, इस साल भी शिल्पा जा रही है साथ में, पर हम लोग केवल एज अ गेस्ट जा रहे हैं ओनली फॉर टू डेज एंड वी विल बी बैक. एंड आई थिंक इतनी तवज्जो ना दें हम पे, तवज्जो दें वहाँ के हाउस मेट्स पे, है इस साल उनका सीजन है और वी आर जस्ट गोइंग टू होप दैट वी कैन हेल्प देम हैव मोर फन एंड अंडरस्टैंड दिस गेम अ लिटिल बिट बेटर. बताऊँ अभी ना पहले महीने पे हो और पहला महीना ख़त्म हुआ है ऑलमोस्ट, अभी दो महीने ढाई महीने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी एज वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड. कुछ बहुत ही प्रिडिक्टेबल नाम हैं, उसे कोई फ़ायदा नहीं बोलने का बिकॉज इवेंचुअली नहीं मेरा ऐसा, मैं नहीं करता ऐसा, मैं मेरे को नहीं आता ऐसे शू करना, मैं सीधी लॉजिकली सोचता हूँ फिर मैं करता हूँ. मैंने यही बोला किसी को, आई थिंक बॉम्बे टाइम्स को बोला था मैंने कि कोई भी ना किसी को कंपेयर मत करो, कोई शिल्पा नहीं है इस सीज़न, ना ही कोई विकास है इस सीज़न, पर उसी तरीके से कोई भी दीपिका नहीं थी हमारे सीज़न में, कोई शीशांत नहीं था हमारे सीज़न में. हर एक इंसान का अपना व्यक्तित्व है, दे हैव देयर ओन पर्सनैलिटी एंड दे आर प्लेइंग विद दैट पर्सनैलिटी. वॉट इज़ रियली रॉन्ग एंड आई थिंक दैट्स वॉट इज गॉन रॉन्ग इज दैट दे आर अगेन अगेन कंपेयरिंग इट फ्रॉम लास्ट सीजन, बिकॉज लास्ट सीजन मस्ट हैव डन बेटर. बट वेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग इट फ्रॉम समथिंग फ्रॉम प्रीवियस, यू विल नॉट इन्जॉय दिस सीजन. I really would request, forget all of that, see them as completely different characters and you just might find something exciting in them also. Last question, ye hai ki jaise jodi entry thi aur ek solo se individual bhi hai, last tak ye ye pattern continue rehta hai because of the TRP ya bhi cheeze work out. I think jab wo us hisab se nahi khelte jis hisab se unhe khelna chahiye as a jodi, तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई जोड़ियाँ टूट जाती हैं. सबसे लास्ट जोड़ी जो टूटी वो है सबा सोमी की, एंड आई थिंक दैट वॉज अ मोस्ट रियल जोड़ी जो अभी हुआ है, बिकॉज देवर टू रियल सिस्टर्स बींग टुगेदर, अनूप जलोटा सर एंड जसलीन वेंट आउट, बिकॉज वेरी रियल जोड़ीज़ देवर. आई थिंक उससे पहले जो जोड़ीज़ गई वो दोस्त थे या आपस में जानते थे और ना ही उस तरह की केमिस्ट्रीज आई, तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन वाई जोड़ीज मस्ट हैव स्टार्टेड गोइंग ऑफ अर्लियर. बट द कंटेस्टेंट्स आर वेरी गुड एंड द वंस हू रिमेनिंग आर डूइंग लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑन बिग बॉस.